अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वाजिद अली शाह सी लाइफ शॉप डॉट कॉम से अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एंटरप्रेन्योर सीरीज के नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ जो दोस्त हैं सजाद भट्टी साहब, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और आज हम इनसे इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, अपनी एफर्ट्स को और अपने फ़न को यूटिलाइज़ करते हुए अपने बिज़नेस को ग्रोथ दी। तो सजाद भट्टी की तरफ चलते हैं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। वाजिद भाई, ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक लंबा अरसा है कि जो आपको मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का रन किया जी। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने इस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एक मशीन से स्टार्ट किया तो करते करते आज अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जानते हैं मुझे। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे पहचाने कम से कम अच्छे लफ्ज़ों में जाने। तो कस्टमर से काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए उनकी। तो जो भट्टी साहब, क्या आप शुरू से ये एलायरिम्स का ही काम करते हैं या नहीं? नहीं नहीं, एलायरिम का नहीं काम करते थे। पहले हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप थी। अच्छा। तो बस उस पर मैं कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था। अच्छा। तो जहन में था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस हो। तो बस मेरा एक दोस्त था, अल्लाह जन्नत बख्शे, वो राशिद चट्ठा, वो दुनिया में नहीं है, वो कत्ल हो गए थे। तो उसने मुझे कहा कि यार सजाद, आप ये काम करो। तो मैं एलायरिम के काम को कुछ समझता नहीं था, कि अच्छा नहीं समझता कि ये क्या है, जस्ट एक रिम है। तो उसने मुझे गाइड किया कि यार ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर मैंने काम शुरू किया, इस पर सर्च की, तो फिर मुझे पता लगा कि ये तो एक बहुत ज़्यादा मेन इंजीनियरिंग यही है कि रिम से ही गाड़ी का प्रॉपर सारी सिस्टम चलना है। तो फिर इस पर मैंने वर्क किया करते करते आज इस मुकाम पे। तो ये आइडिया जब आपके पास आया तो क्या आपने इसको पाकिस्तान में, तो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया, तो आपने कहाँ से इसको ग्रैब किया इस आइडिया को? वाजिद भाई, मैं इस काम के लिए और काफ़ी कंट्री में विज़िट भी किए हैं मैंने। एशिया यूरोप में काफ़ी कंट्रियों में गया हूँ, तो वहाँ से भी मैंने इनको ग्रोथ किया है कि कैसे काम किया जाता है इसको, समझ लें कि काफ़ी गाइडनेस मिली है मुझे। तो वो फिर जो बाहर की कंट्रियों में काम किया जाता है, यहाँ पे उस तरह काम नहीं करते। हमने अपने आप को कोशिश किया है कि यहाँ पे कोई अच्छी सी मशीनरी लाएं। मेरी आई होप कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो प्लान है तो यूरोपियन अच्छी मशीनरी लेके आएंगे, जिससे पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड काम का कैसा है। तो कोशिश है मेरी, देखें आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बाकी फिर भी अभी भी मैंने पाकिस्तान में अच्छी मशीनरी लगाई है और स्टैंडर्ड्स का काम करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी वर्कशॉप का विज़िट भी करवाऊंगा, आपको देखेंगे कैसे काम कर जाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा कि प्रीवियसली हम अक्सर अपनी गाड़ियों के जो रिम होते थे, अगर वो डैमेज हो गए या कहीं से टूट गए तो हम अक्सर उसको उतार के तो टायर वालों को दे देते थे और नए रिम एक्सपेंसिव अपने पैसे भी खर्च करते थे और दूसरे टायर रिम हम चढ़ा लेते थे। लेकिन व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपके वही एलॉय रिम्स जो कि डैमेज हो जाते हैं उसको दोबारा रिपेयर किए कैसे किया जाता है और आपको दोबारा 100% रिस्टोर करके दिया जाता है। ये आपकी अपनी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करेगा और आपके पैसों की बचत भी करेगी। तो आज की वीडियो को आपने ज़रा कम्प्लीटली देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और अब चलते हैं इनकी वर्कशॉप में। थैंक यू। इनकी वर्कशॉप का विज़िट करवाता हूँ। अच्छा। यहाँ से हमारा ये होता है कि काम जैसे स्टार्टिंग में होता है जैसे काम, तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। आए हमारे ये आप यहाँ पे ये हमारे रिम जो हैं ये अभी आए हैं बाइट से। अच्छा। इस कंडीशन में आते हैं और ये देखें इनकी कंडीशन ऐसे होती है कि देखने के काबिल नहीं होते। अच्छा। तो जब अब ये हमारी वर्कशॉप में कम्प्लीट इनका विज़िट होगा ये वर्किंग के साथ, तो उसके बाद देखें आपके रिमों की क्या कंडीशन निकलती। आए आपको विज़िट चलें सर। वाजिद भाई, मैं आपको इस जगह से विज़िट करवाता हूँ मशीन का। आए मैं आपको चेक करूँ। यहाँ पे रिम के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बनानी पड़ती हैं, उस मशीन पे ये बनाते हैं। ये देखें, ये इसकी ये जो प्लेट है इस जैसे इस रिम की प्लेट, ठीक है जी, ये कैप्स होता है। हमें ये ऑटोमेटिकली ये मिलते नहीं हैं, यहाँ पे हमें ख़ुद परचेज़ करके रॉ मटेरियल से बना के फिर हम इसको ये बनाते हैं। ये देखें, ये बना रहा है और ये कंप्लीट होगा।
कहाँ की है ये मशीन? जी सारी लाहौर से, ये वाली मशीन लाहौर से मंगवाई है हमने। ये हैंडमेड होती है, ये ऑर्डर पे बनवानी पड़ती है। ये था हमारे मशीन शॉप में फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है कि ये इस मशीन की है, ये ब्रिज कोट है, ये इंग्लैंड से आई है हमारी, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये जो होल्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें जो अगर ख़राब हो जाएं, हम इनको होल्स बंद करके दोबारा रीफिनिश करके इसकी बिल्कुल प्रॉपर पीसीडी को कंफर्म करते हैं। जैसे आपको आपकी कोई गाड़ी 114 पीसीडी, 140, 100, उसको ये पीसीडी, ये इनको पीसीडी कहते हैं, ये होल्स जो होते हैं। किसी भी गाड़ी के लिए लगाने के लिए हम पीसीडी चेंज कर सकते हैं। होंडा की होंडा गाड़ी है, उसको हम करोला में भी रिम लगा सकते हैं, करोला के रिम को हम होंडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पीसीडी कहते हैं। इसका ये फंक्शन है। और ये मशीन जो है हमने इंग्लैंड से ली है, ये ब्रिज पोर्ट इसको कहते हैं। मशीन जो है हमने खुद ही डिज़ाइन की है। अब पाकिस्तान में ये लोग, हमारे कई ऐसे बंदे हैं जो इसको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। एक्चुअली ये ईजाद हमारी ही यहाँ पे है, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। पिंडी में कोई भी, पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो प्रॉपर रिम चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिम को सीधा किया जाए, वो थोड़ों से करते हैं। हम ये यहाँ पर मशीन पर करते हैं। चेक करवाओ इनको, ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, रिमों को घुमाओ। ये देखें जिस तरह ये रिम है, ठीक है, इसको अब सीधा करके दिखाएं। मैं अभी आपको, प्रोसीजर नहीं है, हम ये करते हैं कि हमें कोशिश होती है कि हमारा जो हैमर का काम जो वो मशीन किया करे। ये देखें, अभी जो आपने रिम देखा था, इसको हमने पहले स्ट्रेट किया है, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह इसको स्मूथ करने के बाद इसको मशीनिंग होती है, उसके बाद देखें इसकी ये कंडीशन हो जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखें, अब इसके अंदर ना तो कोई जंप है और ना कोई ऐसा मामला आता है। ये आपका आपका जो रिम है ना, वो समझ लें कि जैसे आप कहते हैं कि ये कंडम हो गया, वो कंडम नहीं हुआ, आपका दोबारा यूज़ हो सकता है। ये देखें, आप देखें, ये गाड़ी में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छा, ये हमारी मशीन है, ये अयाज साहब हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं। ये मशीन ऐसी है कि हमने ये ऑर्डर पे बनवाई है। इस मशीन पे हम 12 से ले के 12 साइज से ले के 40 तक के रिम को हम टूलिंग भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं और उनकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये हमने ऑर्डर पे बनवाई है। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी वन मशीन है हमारी, ये अयाज साहब काम करते हैं इसके। टैट बस उसे अपना काम करें। आए मैं आपको नेक्स्ट, ये नुमान है और ये सीनियर कोलिको में से है। इसका कभी छोटा सा आया था मेरे पास, अब इसका ये जवान हो गया, अब इसकी शादी भी नज़दीक आने वाली है। ये देखें, ये इसका ये काम है। ये देखें, ये रिम को फिनिशिंग देते हैं और पेंट होके कंप्लीट होता है तो फिर ये फिनिश देते हैं। ये देखें, नए लुक में आ गए हैं रिम जो। ये नेक्स्ट हमारी मशीन ऐसी है कि ये जो आरिफ साहब हैं हमारे,
ये हमारी वर्कशॉप के चीफ हैं, मेरे बाद अगर कुछ भी होगा तो ये आरिफ साहब संभालेंगे। ये आए मैं आपको दिखाता हूँ। इनका काम बहुत नफासत वाला है इनका, और ये पूरी वर्कशॉप के जो कहते हैं कि जो सेहरा है इनके सर पे है। ये बहुत मेहनत करते हैं और इनके हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई है, और ये मास्टरमाइंड है हमारा। इस मशीन में ये होता है कि ये रीटूलिंग करती है मशीन, कोई भी रिम हो उनको रीटूलिंग करने से मकसद ये है कि आपके रिम के दोबारा लुक नई वाली हो जाए। ये मशीन का काम। ये वाली मशीन हमने मंगवाई है जर्मनी से, तो ये क्राफ्ट है। तो मैं भी आपके इसका फंक्शन दिखाता हूँ। आए मैं आपको इसके रिम का दिखाता हूँ ये क्या काम करती है। ये डस्टलेस सन ब्लास्टर है, ठीक है जी। ये रिम ऐसे डस्टी आता है और हम इसको फिर ये इस प्रोसीजर के बाद हमारे रिम का ये नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि हम इसको मशीन के ज़रिए ही इनर साफ करते हैं। ये देखें, हमारी कोशिश यही है कि को जो भी काम हो मशीनिंग के हिसाब से ही हो, लेटेस्ट काम किया जाए जैसे भी हो। कोशिश तो करते हैं पाकिस्तान में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएं। और उसके बाद ये हमारे पास एक और मशीन है, मैं अभी आपको ये चेक करवाता हूँ। वो डस्ट पहले अभी आपको मैंने दिखाई थी कि वो डस्टलेस ब्लास्टर था, ठीक है। ये इटली का है और ये डस्ट वाला ड्राई ब्लास्टर है। ये हमारा पेंट बूथ है, समझ लें कि इसके ओवन है जो हम कंप्लीट करते हैं रिम कंप्लीट करके इसके ओवन के अंदर रखते हैं, तो फिर जब ड्राई होता है तो फिर हम निकालते हैं। आइए मैं आपको दिखाते हैं जो हमारा रिम जो स्प्रे पेंट होता है, यहाँ पे रिम का पेपर का काम होता है, पेपर से पेंट का रिमूव किया जाता है। अंदर से जहाँ सारे प्रोसीजर जब ख़त्म होते हैं तो फिर एंड पे आके यहाँ पे हमारा पेंट का प्रोसीजर है, ठीक है जी। वो पेंट का ये प्रोसीजर है, ये यहाँ पे पेंट हो रहा है हमारा, स्प्रे पेंट होता है। तो अभी आपको मैं जो रिम हमने कंप्लीट किए हैं ये वर्कशॉप के पूरे प्रोसीजर से गुज़र के तो फाइनल जो होते हैं तो मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये जो आपने जो देखे थे रिम नीचे जो पड़े हुए थे पुराने और जिनके पेंट बिल्कुल फारिग हो गए थे, टूट गए थे, टेढ़े हो गए थे, ये सारे वो वाले तैयार किए हैं हमने। जी वाजिद भाई, अभी आपने देखा कि कितने प्रोसीजर से हमें गुज़रना पड़ता है, उस प्रोसीजर से गुज़र के एंड फिर हमें पता चलता है कि आपको के हमारे कितने मराहिल से गुज़रने के बाद रिम की शेप इस कंडीशन में जब आती है। तो हमें काफ़ी मुश्किलात से भी गुज़रना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस पे हमें ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है, मगर हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो और उसकी चीज़ को बजाय कि वो नहीं ले। तो वटी साहब ये बताएंगे कि एक रिम को मतलब शुरू से लेके फिनिश फॉर्म तक कितना टाइम लगता है? वाजिद भाई ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा रिम होता है कि आधे घंटे का काम जो हमें दो घंटे भी करना पड़ता है। वजह ये है कि जब तक हमारा रिम प्रॉपर फॉर्म में नहीं आएगा हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो कस्टमर को आप वैसे टाइम कितना देते हैं, एक दिन दो दिन? वाजिद भाई बाज़ औक़ात कस्टमर को कहते हैं कि हम दो घंटे का, तो दो घंटे में अगर कंप्लीट नहीं होता तो कस्टमर से सॉरी करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा कस्टमर को हम दे नहीं सकते। और वैसे आपको इश्यूज़ आ जाते होंगे लोड शेडिंग वगैरह, क्योंकि आपकी तो सारी मशीनें इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन है। ये बाज़ का तुम्हारा काम बढ़ जाता है कि हमें देखने में होता है कि ये मैक्सिमम ये 15 मिनट्स में होगा,
तो जब हम काम करते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए हमें जब कंप्लीट होता है तो टाइम का थोड़ा सा हमें इशू आता है, बाज़ू का दो दो घंटे भी आते हैं। हमारी अपनी भट्टी इंजीनियरिंग की ये कोशिश होती है कि काम जो किया जाए एग्जैक्ट किया जाए, ये ना कि आधे घंटे का टाइम दिया तो कोशिश है गुजारे वाला काम करके। तो आपके पास तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है कि गुजरांवाला से, लाहौर से, इधर गिलगित से, बहुत दूर दूर से काफ़ी बंदे आते हैं पाकिस्तान में। स्पिंड इस्लामाबाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, दूर दूर से भी, ये अभी आप लोगों ने बताया गुजरांवाले के भी मेरे काफ़ी कस्टमर हैं, और लाहौर से भी आते हैं, पिशावर से भी आते हैं, सवात से भी आते हैं। तो बड़ा, तो आपसे एक ये सवाल भी ख़ासतौर पर पूछना कि हम मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक गाड़ी का गाड़ी में रिम चलाते हैं तो कितने इसकी लाइफ क्या होती है, एलॉय रिम की लाइफ क्या होती है और इसकी प्रिवेंशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ, रिम की कोई लाइफ नहीं है। देखिए आप इसको रिम आपका लॉन्ग टर्म में भी चल सकता है, सिर्फ आप उसकी केयर करें। एक तो आप उसको कैट आइस से बचाएं, खड्डों से बचाएं। जब आप किसी भी नया भी रिम लेंगे, एक्सपेंसिव रिम लेंगे, तो आप अगर उसको हिट करेंगे तो लाजमी वो टेढ़ा भी होगा। तो अगर आप उसको कैट आइस और जंप से थोड़ा सा प्यार से गुजारें तो आपके रिम को कुछ भी नहीं होता। और जो मार्केट में आजकल रिम्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ आते हैं, पहले मलेशियन भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, तो इसके बारे में मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा तो कोशिश होती है कि स्टैंडर्ड को छोड़ के हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस पर मैं आपसे कोई नहीं कर सकता कि। और आप हमारे चैनल के तवस्सुत से क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहना मैसेज कि आप जब तक हमारी वर्कशॉप भट्टी इंजीनियरिंग है, आप इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जो गाड़ियाँ हैवी बाइक्स और रिम्स रखते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको बेहतर से बेहतर काम करके देंगे और अपने कस्टमर्स को जितनी फेवर से फेवर हो सकती वो भी देंगे। यही है कि और मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स जैसे आपने देखा कि आज आपने भट्टी साहब की वर्कशॉप को कंप्लीट विज़िट किया, प्रोसेस देखे कि किस तरीके से एक एलॉय रिम को शुरू से स्टार्ट किया जाता है, उसकी वेल्डिंग की जाती है, फिर उसकी बैलेंसिंग की जाती है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल में से गुजारते हुए उसको कलरिंग साइड पे, पेंटिंग साइड पे ले जाया जाता है, बैकिंग की जाती है, और बहुत से इसमें प्रोसेस और बहुत से हाथ इन्वॉल्व होते हैं, और आखिर में जाके जैसे आप देख रहे हैं इस फिनिश फॉर्म में आपको रिम प्रोवाइड होता है। इसमें हमने ख़ास चीज़ देखी थी आज जो कि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि जो हैवी बाइक्स के रिम्स हैं वो भी भट्टी साहब जो हैं अपने वर्कशॉप में उसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हैवी बाइक्स या जितने भी आजकल मोटरसाइकिल काफ़ी मोटरसाइकिल जिनमें एलॉय रिम लगे होते हैं तो उनकी अगर कोई ब्रेकेज या उनमें कोई इशू आ जाए तो उसकी फिक्सिंग भट्टी इंजीनियरिंग करती है। और आपने इनकी लाइफ स्टोरी सुनी किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया, इन्होंने एक आइडिया ग्रैब किया, उस आइडिया के ऊपर काम करते हुए उन्होंने मार्केट को चेक किया और मार्केट में अपना नाम बनाया। अब इस नाम बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की, एफ़र्ट्स की, और अपना एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखते हैं तो यही लोगों की कामयाबी का राज होता है कि वो कभी हार नहीं मानते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।